अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट. नेचर ऑफ मैनेजमेंट में यहां तीन कैटेगरीज दी है, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन. कहने का मतलब ये है कि ये आपको ये बता रहे हैं कि मैनेजमेंट को आखिर हम क्या नेचर दें, उसको साइंस का नेचर दें, उसको आर्ट्स बोले या उसको प्रोफेशन बोले. अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे, कंक्लूड करेंगे वेदर मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है. अब देखते हैं साइंस क्या होता है. साइंस के अब हम फीचर्स पढ़ेंगे. साइंस पहला क्या कहता है कि सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज. अब साइंस को आपको पता है कि साइंस अपने आप में खुद बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसका खुद का एक बॉडी ऑफ नॉलेज है. आप क्लास 4-5 से साइंस पढ़ने लग जाते हैं. तो साइंस में क्या है कि साइंस में देयर आर सम लॉज एंड प्रिंसिपल्स जो कि आपको कुछ एक जनरल ट्रूथ बताते हैं जो यूनिवर्सल इन नेचर होता है. अगर हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं, अगर हम न्यूटन के लॉ ऑफ मोशंस पढ़ते हैं, तो ये सब क्या है, ये सारे लॉज एंड प्रिंसिपल्स है जो कि बहुत टाइम पहले डेवलप किए थे किसी ने. दे आर यूनिवर्सल ट्रूथ, जे आर जनरल ट्रूथ, और उसको हम आज भी पढ़ रहे हैं. तो कहने का मतलब साइंस का एक बेसिक फीचर यह है कि साइंस एक खुद में ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके खुद के अपने लॉज एंड प्रिंसिपल्स है. सेकेंड फीचर्स बोलता है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड आउट है, चाहे हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, ये सब इनके जो भी सब्जेक्ट मैटर डेवलप हुए हैं वो कैसे डेवलप हुए हैं, किसी ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेवलप हुए हैं, किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है उसके थ्रू डेवलप हुए हैं. तो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन कहता है कि साइंस का जो एक बेसिक फीचर है वो ये है कि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है हमें. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जैसे मान लो आप लोग रोज न्यूज़पेपर में या मोबाइल में अपना वेदर फोरकास्ट देखते हो, तो वेदर फोरकास्ट आपको कौन जारी करता है, जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होती है वो क्या करती है, वो ये देखती है कि अभी मौसम कैसा हो रहा है, कहाँ पे हाई प्रेशर है, कहाँ पे लो प्रेशर है, कौन सा तूफान आने वाला है, उससे क्या उसके क्या कॉजेज है. मान लो किसी जगह पे लो प्रेशर है, हाई डिप्रेशन है, उसकी वजह से वो तूफान डेवलप हो रहा है, वो तूफान जब तक ट्रैवल करके इस कंटिनेंट में आएगा तो वो बारिश बढ़ जाएगी, बारिश अगर ज़्यादा होगी तो बाढ़ आएंगे, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन होगी. तो ये सब क्या है, ये एक कॉज है कि क्या कॉज है, कि किस वजह से हो रहा है ये तूफान, क्यों हो रहा है, कि वो हो सकता है कि कुछ इफेक्ट जो कि पोलर रीजन से होते हुए आ रहे हैं, पोलर रीजन से होते होते वो डाउन द कंटिनेंट जब आते हैं तो वो इतना बढ़ जाता है कि वो एक बहुत बड़ा तूफान बन जाता है और उस तूफान की वजह से बारिश हो जाती है. तो ये उन्होंने कॉज बताया. फिर वो बताएंगे कि ये बारिश तो होगी, तूफान तो आएगा, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा. उसमें ये भी बताते हैं इट विल लीड टू मैसिव डिस्ट्रक्शन. मान लो बिल्डिंग्स गिर जाएंगी, बाढ़ आ जाएंगी, या समुद्र का सी लेवल बढ़ जाएगा, तो वो क्या है, उसने उसका इफेक्ट बताया है. तो साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है. आप ये साइंस में फिजिक्स में भी देख सकते हैं, आप लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन जैसा कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो उसमें भी आप फिजिक्स में भी देखेंगे कि कुछ उसके कॉज है और उसका इफेक्ट भी है, कि अगर वो ऐसा हो रहा है तो उससे वो किस वजह से हो रहा है और उसका क्या इफेक्ट है. तो साइंस का भी ये नेचर है कि इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड इट टेल्स अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी. अब जैसे मैंने ऐसे बताया कि साइंस के जो भी लॉज एंड प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल नेचर होते हैं. आप चाहे इंडिया में पढ़ो या आप कहीं और भी पढ़ो, किसी भी चीज के बारे में पढ़ो, किसी भी मैटर के बारे में पढ़ो, दैट इज ऑल यूनिवर्सल इन नेचर. तो वो यूनिवर्सली वैलिड है वो चीज. अब हमने साइंस के ये तीन फीचर्स पढ़े. अब आते हैं मैनेजमेंट पे, तो हम टिक मार्क करते जाएंगे. सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज ये साइंस का एक फीचर है. क्या मैनेजमेंट का भी ये एक फीचर है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मैनेजमेंट का भी अपना खुद का एक सब्जेक्ट है. मैनेजमेंट अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट ही तो पढ़ रहे हैं, तो मैनेजमेंट का भी खुद का अपना एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक बुक है. मैनेजमेंट का भी खुद का अपना लॉ है, खुद का अपना प्रिंसिपल्स है. आप आने वाले चैप्टर्स में मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल पढ़ोगे, मैनेजमेंट के भी लॉज पढ़ोगे. तो हाँ, ये फीचर हमारे मैनेजमेंट में है. दूसरा है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. हाँ ये भी है, हम मैनेजमेंट के जो लॉज और प्रिंसिपल्स जो भी जो हमारे हेनरी फेयॉल है, टेलर है, इन लोगों ने जो डेवलप किए हैं वो ऐसे तो डेवलप नहीं किया, उन्होंने भी कहीं ना कहीं किसी बिजनेस सिनेरियो को ऑब्जर्व किया है, कुछ नोटिस किया है, उसके बाद ही कुछ उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ही कुछ लॉज और प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उसके भी कुछ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकले हैं, तभी तो उसके लॉज एंड प्रिंसिपल्स बने हैं.
तो हाँ, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ये भी मैनेजमेंट का एक फीचर है. थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी. अब क्या है, जो हमारे जो हम लोग मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट बेसिकली डील्स विथ ह्यूमन बींग्स, ठीक है. तो ह्यूमन बींग्स आपको पता है जगह जगह पे थोड़े थोड़े टाइम में ह्यूमन बींग्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उनके कल्चर अलग होते हैं, उनका मेंटालिटी अलग होता है, जेंडर वाइज वो अलग होते हैं, उनका एजुकेशन अलग होता है. तो ह्यूमन बींग्स आर डाइवर्स इन नेचर. तो हम उसको मैनेजमेंट के कंसेप्ट को हम यूनिवर्सल वैलिडिटी इसलिए नहीं बोल सकते कि साइंस का जो लॉ है वो किसी एक चीज पे है, वो सारी दुनिया के लिए एक ही है. लेकिन जो मैनेजमेंट है ह्यूमन बींग से डील करता है. ह्यूमन बींग तो सब जगह एक नहीं है ना, वो तो हर जगह पे, हर कंट्री पे, हर स्टेट में, हर रीजन पे अलग अलग है. तो इसीलिए यहाँ यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता मैनेजमेंट में. तो अब हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज यूज इन डिफरेंट सिचुएशन, देयर एप्लीकेशन यूज इज नॉट यूनिवर्सल, दे हैव टू बी मॉडिफाइड, दे कैनॉट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड. अब जो जैसे हमने बताया कि जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स और लॉज होते हैं वो एकदम एक्यूरेट है, तो एकदम प्योर साइंस जो होती है वो एकदम एक्यूरेट प्रिंसिपल्स एंड लॉज होते हैं. लेकिन जो हमने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और लॉज होते हैं जो कि हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो है तो सही, लेकिन अगर मैं सोचूं कि मैं उन प्रिंसिपल्स को अपने रियल लाइफ में, रियल बिजनेस सिचुएशन में अगर अप्लाई करूँ, तो वो मेरे को फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्योंकि उस टाइम जो बिजनेस सिचुएशन था, जो बिजनेस सिनेरियो था, वो उस सिनेरियो को देख के मद्देनजर में रखते हुए वो प्रिंसिपल डेवलप हुआ. अब उस टाइम जो चीज़ बिजनेस सिनेरियो था, जरूरी नहीं है कि वो इस टाइम, आज के टाइम मेरे ऑर्गेनाइजेशन में भी वही बिजनेस सिनेरियो हो, वही सिचुएशन हो. नहीं, मैं हो सकता है वो मेरा बेसिक फंडामेंटल रूल है, मैं उसको ध्यान में रख के कुछ और मॉडिफिकेशन करके कुछ और अप्लाई करूँ, कुछ और प्रिंसिपल अप्लाई करूँ अपने मैनेजमेंट में. तो इसीलिए कह रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में यूज होता है. उस टाइम कुछ और सिचुएशन थी, आज कुछ और सिचुएशन होगी. देयर एप्लीकेबिलिटी एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल, डेफिनेटली यूनिवर्सल नहीं है. इंडिया में जो कंपनी है उसका मैनेजमेंट करने का अलग तरीका है, यूएस यूके में जो कंपनीज हैं उनका मैनेजमेंट करने का अलग तरीका है, पर वो यूनिवर्सल तो नहीं है ना सबका. डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट मैनेजमेंट टेक्टिक्स. ओके, तो दे कैनॉट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड, क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर अनप्रिडिक्टेबल. तो फिर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो उन पर अप्लाई कर रहे हैं वो कैसे प्रिडिक्ट कर सकेंगे. तो देखा जाए तो हमारे पास ये दो फीचर्स तो हैं मैनेजमेंट में, लेकिन ये यूनिवर्सल वैलिडिटी वाली फीचर नहीं है. तो इसीलिए हम मैनेजमेंट को इन एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं. इन एग्जैक्ट मतलब हमारे पास एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स तो नहीं है जैसे हमारे पास साइंस में होते हैं, लेकिन साइंस की तरह दो फीचर्स तो है कि मैनेजमेंट अपने आप में भी एक सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट के खुद के अपने लॉज एंड प्रिंसिपल्स है. बस दिक्कत तो यही है ना कि हम यूनिवर्सली उस चीज को नहीं अप्लाई कर पा रहे, क्योंकि साइंस तो एक जनरल लॉ है, लेकिन मैनेजमेंट हम तो ह्यूमन बींग्स से डील कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स ही एक जैसे नहीं है, तो फिर एक जैसे प्रिंसिपल्स कैसे लग सकते हैं. इसीलिए मैनेजमेंट को हम बोलते हैं इन एग्जैक्ट साइंस. कमिंग टू आर्ट, आर्ट्स क्या होता है कि जो हम अपने आप कला जिसको हम बोलते हैं, आप देखोगे 11th-12th में स्ट्रीम्स आ जाती है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स. आर्ट्स बेसिकली क्या होता है कि इट इज अ स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज, ठीक है. तो अब हम आर्ट के फीचर्स पढ़ेंगे. आर्ट्स का पहला फीचर क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. अब आपने देखा होगा जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं उनकी बहुत थ्योरी 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 पढ़ते रहते हैं, तो बहुत लोग तो उस थ्योरी से घबरा के कॉमर्स में आ जाते हैं कि चलो उसमें थ्योरी तो कम होगी. तो आर्ट्स में एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है आर्ट्स वालों बच्चों की, चाहे वो ज्योग्राफी की आप बात करो या म्यूजिक की, म्यूजिक और डांस की बात करो. एक वाकई में म्यूजिक और डांस में भी आजकल कोर्स होने लग गए हैं, और ये भी एक सब्जेक्ट है म्यूजिक एंड डांस. तो इन सबका एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, यू नो देयर इज अ बुक, देयर इज अनदर सब्जेक्ट फॉर दीज ऑल थिंग्स. सेकेंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब यह है कि जो कला है हर इंसान में एक जैसी नहीं होगी, सब में अलग अलग होगी कला. अगर मैं किसी दो एक्टर की बात करूं, मैं सलमान खान और शाहरुख खान की बात करूं, दोनों में अलग तरह का कला है. सलमान खान को मैं डायनामिक बोल सकती हूं क्योंकि वो हर तरह के रोल में अडॉप्ट हो जाता है. उसको एक्शन दे दो, कॉमेडी दे दो, रोमांस दे दो, वो सब तरह का एक्टिंग कर सकता है. लेकिन देखें तो शाहरुख खान, ही इज़ नॉट दैट डायनामिक. तो ये पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, मतलब कि वो पर्सन टू पर्सन, एक्टर टू एक्टर. अगर मैं दो डांसर्स की भी बात करूं तो दो डांसर्स भी जो होंगे उनमें अलग क्वालिफिकेशन होगी. कोई एक होगा जो कि एकदम इंडियन क्लासिकल में फुल्ली ट्रेंड है, तो दूसरा ऐसा होगा जो कंटेम्प्रेरी डांस में ट्रेंड है, हिप हॉप में ट्रेंड है, जैज में ट्रेंड है.
तो वो हर इंसान में बदल जाता है। ये नहीं कि जो अगर एक इंसान इंडियन क्लासिकल डांस में ट्रेंड है तो बाकी भी इंडियन क्लासिकल डांस में होंगे, कोई ऐसा भी होगा जो किसी और डांस फॉर्म में सालसा में इन सब में ट्रेंड होगा। तो ये कहता है अपना पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। अब मैं एक्टिंग की और डांस की बात करूँ, जो मेरा ये कला है, अगर मैं डांस रोज कर रही हूँ, मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मेरे जो स्टेप्स होंगे डांस के वो बहुत अच्छे से उभर के बाहर आएंगे, एक अच्छा प्रेजेंटेबल रहेगा। तो जब अगर मैं कंटिन्यूअसली नहीं करूँगी, कोई मुझे बोल दे गाना चला दो, बोल दे इम्प्रॉम्प्टू डांस कर दो विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो आप भी कुछ भी करने लग जाओगे, स्टेप्स का भी कोई मतलब नहीं होगा, वो आपके रिदम म्यूजिक रिदम से आपके स्टेप्स मैच नहीं होंगे, तो फिर वो वैसा डांस का कोई बहुत फायदा भी नहीं होगा। तो इसीलिए कि जो आपका जो भी आर्ट्स होता है, इवन एक्टिंग की भी देखें, एक्टिंग की भी कोर्स होती है, आपको आप कोई भी एक सीन दे रहे हो, सीन के पहले भी बहुत सारे टेक्स लेने पड़ते होंगे एक्टर्स को, तब जाके एक परफेक्ट शॉट आता है। तो वो जो पहले जो टेक्स लिए होते हैं वो कुछ नहीं होते, वो उनकी प्रैक्टिस होती है कि ताकि एक परफेक्ट शॉट स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे। क्रिएटिविटी, अब आर्ट है, कला है, मेरी खुद की अपनी क्रिएटिविटी होगी। अब जैसे मान लो कि एआर रहमान का कोई एक सॉन्ग है, एआर रहमान ने उसको बहुत ही सूदिंग एंड काम तरीके से उस गाने को कंपोज किया है, बहुत फेमस और हिट एल्बम रिलीज हो गई। अब हमने क्या किया, कोई नया सिंगर आया, उसमें धूम धड़क्का टाइप की म्यूजिक लगा के उसको एक पॉप टाइप का सॉन्ग बना दिया। तो दिस इज व्हाट क्रिएटिविटी है, वो उस दूसरा जो नया सिंगर आया वो उसकी क्रिएटिविटी है कि उस पुराने गाने को कैसे छेड़छाड़ करके एक नया गाना बना रहा है। सो दिस इज व्हाट क्रिएटिविटी। अब हम देखेंगे कि आर्ट्स में जो फीचर है वो मैनेजमेंट में है कि नहीं। देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज जो कि हमने यहाँ पढ़ाई है साइंस में भी, मैनेजमेंट खुद का अपना अपना मैनेजमेंट खुद में अपने आप में एक सब्जेक्ट है, उसकी थ्योरेटिकल मैनेजमेंट ये जो हम पढ़ रहे हैं सब थ्योरी है, कुछ प्रैक्टिकल तो हम कर नहीं रहे ना, कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह थोड़ी ना सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिकल थ्योरी ही पढ़ रहे हैं। तो देखा जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है मैनेजमेंट में, तो ये पॉइंट हो गया सेटिस्फाई। सेकेंड पॉइंट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब मैनेजर्स भी अलग अलग होंगे, ह्यूमन बींग अलग है तो मैनेजर्स भी अलग अलग कंपनी में अलग अलग होंगे, उनका काम करने का तरीका भी अलग अलग होगा, तो वो जो प्रिंसिपल्स और जो भी चीज अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपने लेवल पे कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। तो देखा जाए तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, जब टू डांसर टू एक्टर सेम नहीं हो सकते, जब सलमान खान शाहरुख खान नहीं हो सकता, शाहरुख खान सलमान खान नहीं हो सकता, तो फिर दो मैनेजर्स जो है वो सेम कैसे हो सकते हैं, वो भी अलग होंगे, उनके काम करने का तरीका भी अलग होगा। थर्ड है बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। अब धीरे धीरे बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कहने का मतलब क्या है कि आप धीरे धीरे कुछ ऑब्जर्व करोगे अपने वर्क सिनेरियो में, क्योंकि मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑनगोइंग है, चलता रहेगा। ये नहीं कि आपने एक बार कर दिया और बंद करके बैठ गए, अब मेरे को मैनेजमेंट करना ही नहीं है, अब मैं मैनेजर ही नहीं हूँ कुछ टाइम पीरियड के लिए, ऐसा नहीं है, करते रहना है। तो वो क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई नई प्रॉब्लम इमर्ज आउट होके आ रही है आप उसको सॉल्व कर रहे हो, फिर उसको सॉल्व करने के बाद कुछ एक और प्रॉब्लम इमर्ज आउट होके आ गई तो आप उसको सॉल्व कर रहे हो। तो धीरे धीरे क्या एक आपका एक प्रैक्टिस डेवलप हो रहा है मैनेजमेंट का, आपको एक एक्सपीरियंस गेन हो रहा है। तो हाँ, इट इज़ बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, मैनेजमेंट भी हमारा कंटिन्यूअस प्रैक्टिस पर बेस्ड है। क्रिएटिविटी, सेम दो एक्टर सेम नहीं हो सकते तो दो मैनेजर भी सेम नहीं होंगे, और दोनों मैनेजर का काम करने का तरीका अलग होगा तो उनका लेवल ऑफ क्रिएटिविटी भी अलग होगा। तो देखा जाए तो हमने मैनेजमेंट, ये आर्ट्स के जो चार फीचर है, चारों फीचर्स मैनेजमेंट में सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो अब कंक्लूजन क्या ड्रॉ होता है कि अ सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिसेस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इन डे टू डे जॉब बेस्ड ऑन स्टडी ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस। तो अब हमारा ये चारों फीचर सेटिस्फाइड है, मैनेजमेंट में नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस भी है, क्रिएटिविटी भी है, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब आते हैं प्रोफेशन पे। प्रोफेशन में क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सबको पता है कोई भी प्रोफेशन होती है, जैसे मान लो मैं डॉक्टर्स की बात करूं, लॉयर्स की बात करूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करूं, इन सबका एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, इन सबका एक कोर्स है, एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है इन सबके कोर्स का। अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको LLB करनी होगी, LLM करना होगा, उसके बाद ही आप एडवोकेट बन सकते हो। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो सिर्फ आप BCom MCom करके चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते, उसके लिए ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का प्रिस्क्राइब किया हुआ एक फुल फ्लेज्ड कोर्स है, उसको कंप्लीट करने के बाद उनका 2 से 3 साल का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप CA बनते हो। तो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है प्रोफेशन में। सेकंड है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। ऑब्वियसली अगर आप किसी प्रोफेशन में एंट्री कर रहे हो, हर कोई तो नहीं, अब मैंने तो कॉमर्स पढ़ा है, मैं सोचूं मैं मेरा अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, तो ऐसा हो सकता है? नहीं होगा ना। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री रहेगा प्रोफेशन में।
रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप किसी प्रोफेशनल डिग्री कोर्स के लिए एनरोल कराते हो तो आपको एक पहले एंट्रेंस टेस्ट भी देना होता है। अगर आप उस एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हो तो ही आप उस प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम में आगे परसू कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो ये भी हम रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कह सकते हैं उसका। थर्ड है प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होता है कि जितने भी ये प्रोफेशंस होते हैं इनका कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशनल बॉडीज के साथ जुड़ाव रहता है। जैसे कि अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं तो ये भी कहीं ना कहीं मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं ICAI से जुड़े होते हैं, और जो लॉयर्स होते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े हुए होते हैं। तो ये सब क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है। प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या करती है, इनके जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये सब जारी करती है, इनकी जो फीस स्ट्रक्चर होती है, इनके कोर्स की जो भी पढ़ाई होती है, कोर्स स्ट्रक्चर होता है, सर्टिफिकेट्स वगैरह जो ग्रांट करने होते हैं वो इन प्रोफेशनल एसोसिएशन के थ्रू होती है। अगर मैं CA की बात करूँ तो मेरे जो भी एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करती है वो कौन करती है, ICAI करेगी। अगर मैं पास हो जाऊंगी तो मेरे को सर्टिफिकेट कौन देगा, ICAI देगा। अब मेरा आर्टिकलशिप का भी जो भी ट्रेनिंग वगैरह होगा वो भी वही करेगा। तो ये सब कौन कर रहा है, ICAI कर रहा है। तो ICAI क्या है, एक प्रोफेशनल बॉडी है, एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। फोर्थ है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। सेम प्रोफेशनल एसोसिएशन से ये पॉइंट बाहर आता है कि जो ये एसोसिएशन होती है यही आपका एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी करती है। जैसे कि मैं बात करूं जो मेडिकल एसोसिएशन वाले होते हैं तो जो भी डॉक्टर्स बनते हैं मेडिकल एसोसिएशन वाले उनको सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफिकेट ग्रांट करते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। चाहे मैं लॉयर्स की भी बात करूं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनको ID जनरेट करके देता है अगर वो अपना लॉ कंप्लीट कर लेते हैं तो उस लॉ को कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर्स भी अपने डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो लोग ओथ लेते हैं। ओथ कहने का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस। एक प्रॉमिस लेते हैं कि वो जो भी काम करेंगे वो बहुत अच्छे मन से करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। तो ये क्या, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक बिहेवियर है जो कि सबके लिए अच्छा प्रूव हो सके। फिफ्थ पॉइंट क्या है, सर्विस मोटिव। अब जो भी प्रोफेशन होगा उसका एक सर्विस मोटिव होगा। प्रोफेशन सर्विस मोटिव हम कैसा कह सकते हैं कि प्रॉफिट भी उनका होना चाहिए उसमें। सब प्रोफेशन भी लोग इसीलिए करते हैं कुछ कमाया जा सके, लेकिन साथ के साथ उस प्रॉफिट के साथ उनका एक सर्विस मोटिव भी होता है। अगर हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर का एक सर्विस मोटिव क्या होगा कि वो अपने पेशेंट को वेल अच्छे से ट्रीट करे, पेशेंट शुड बी वेल ट्रीटेड। हम लॉयर की बात करें तो लॉयर का सर्विस मोटिव क्या होता है कि उसका जो भी क्लाइंट हो उसको जस्टिस मिले। तो ये क्या होता है, एक सर्विस मोटिव होता है प्रोफेशन में। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट में ये चीज है कि नहीं है। मैनेजमेंट में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, ये हम दोनों चीज में पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ हमारे पास एक सब्जेक्ट है, एक नॉलेज तो है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं somehow it is true but not totally true। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री में जैसे हम देखें जो बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स होते हैं, IIMs होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पे अगर आप उस कोर्स को पढ़ने के लिए आप दाखिला लेते हो तो आपको कैट, मैट, एटमा इस टाइप के एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, वो फाइट करते हैं। उसको फाइट करने के बाद आपका जो भी रिजल्ट आता है, जो भी परसेंटेज या परसेंटाइल होता है उसके बेसिस पे आपको IIMs कॉल करती है और स्कॉलरशिप भी कोई कोई IIMs प्रोवाइड करती है कि अगर आपके परसेंटेज अच्छे आते हैं तो आपको उसमें एडमिशन मिल जाता है। लेकिन और कोई MBA में तो नहीं होता है, तो सिर्फ IIMs में ही होता है। मेरे को अगर मैनेजमेंट की कोर्स करनी है या मेरे को कोई डिप्लोमा प्रोग्राम करना है वो तो मैं किसी और कॉलेज से भी कर सकती हूँ, किसी और यूनिवर्सिटी से भी कर सकती हूँ, मैं डिस्टेंस प्रोग्राम भी ले सकती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ IIM से ही MBA करूं। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला पॉइंट इतना मैं नहीं कह सकती कि इट इज अ ट्रू इन केस ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड है प्रोफेशनल एसोसिएशन। सेम, ऐसा कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन तो है नहीं मैनेजमेंट के लिए कि ना आपको प्रोफेशनल बॉडी के थ्रू, प्रोफेशनल एसोसिएशन के थ्रू ही बाहर आना है। जैसे ICAI में है कि हाँ आपको उसके थ्रू ही ये आप कोर्स कर सकते हैं, और तो कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स ही अवेलेबल नहीं है, तो मैनेजमेंट का भी कहीं और कोर्स अवेलेबल नहीं है, किसी एसोसिएशन के थ्रू ही अवेलेबल है, तो आपको वहां से करना है। ऐसा कोई सीन है नहीं इसमें भी। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी ऐसा कुछ है नहीं, इट इज नॉट कंपल्सरी। सर्विस मोटिव भी हम कह सकते हैं कि हाँ मैनेजमेंट का ऐसा कुछ खास सर्विस मोटिव नहीं होता, उनको तो बस ये रहता है कि मेरे को अपना काम लोगों से करवाना है। तो कंक्लूजन क्या है, नो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, नो प्रोफेशनल एसोसिएशन, मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। देखा जाए तो सिर्फ एक ही फीचर हमने सेटिस्फाई किया है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, और ऐसा कोई भी फीचर हम सेटिस्फाइड नहीं किया है प्रोफेशन का। तो क्या है, मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। फुल फ्लेज प्रोफेशन कहने का मतलब है कि जैसे हम लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, इन सबका ये सब एक फुल फ्लेज प्रोफेशन है। मैनेजमेंट में हमने सिर्फ एक पॉइंट सेटिस्फाई किया, बाकी तो कुछ भी सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा, तो हम फिर मैनेजमेंट का प्रोफेशन कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। इसलिए कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन।
अब देखा जाए, अब आपसे ओवरऑल ये सब कुछ पढ़ने के बाद पूछा जाए कि मैक्सिमम मैनेजमेंट क्या है, तो आप यही कह सकते हो कि प्रॉपर सेंस में देखा जाए तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस भी नहीं है, हम पूरा उसको प्योर साइंस भी नहीं बोल सकते क्योंकि समहाउ कहीं ना कहीं वो साइंस से मैच नहीं कर रहा है, उसका एक यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला पॉइंट मैच नहीं कर सकता। साइंस कह तो सकते हैं बट नॉट टोटली इन एग्जैक्ट साइंस है वो, सिर्फ इस पॉइंट की वजह से कि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट मैनेजर, डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ लॉज, तो इस वजह से इट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस। आर्ट्स में हमारे ये सारे पॉइंट सेटिस्फाइड होते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी है, बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, सारे पॉइंट है, सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए मैनेजमेंट को हम आर्ट्स बोल रहे हैं। और प्रोफेशन में सिर्फ एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, बाकी तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो प्रोफेशन तो हम बोल ही नहीं सकते मैनेजमेंट को। तो ये आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट है।